जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं मैं आपके लिए सीरीज का दूसरा लेक्चर लेके। और आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम होने वाला है रियल नंबर। जैसे कि कल आई हुई जो वीडियो थी उसमें बताया ही था आपको कि भैया आज हम रियल नंबर कवर करेंगे, तो हम इस रियल नंबर को सिर्फ फिर से दोबारा 20 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, जल्दी भी हो सकता है। चलिए, रियल नंबर जैसे बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर चार एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। अगर इस एक्सरसाइज को अंदर हम ध्यान से देखें तो इस बार 2023 के लिए जो सीबीएसई के अंदर जो सीबीएसई ने अमेंडमेंट किया है भैया, वहां आपकी 1.1 नहीं है कोर्स में और 1.4 भी कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली हमें डील किसी से करना है, हमें डील करना है 1.2 से और 1.3 से। मतलब सिर्फ 1.2 1.3 से नहीं, 1.2 1.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिलते हैं बाहर से, उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो यहां बेसिकली मैं सिर्फ एनसीईआरटी रिवीजन करने वाला हूं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है कुछ चाहिए तो आप नीचे मुझे पिंग कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको और कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें रियल नंबर में यह समझना जरूरी है, मैं सीधा मेन टॉपिक, क्योंकि देखिए रिवीजन है, मैं यहाँ पर यह डिस्कस नहीं करना हूँ रियल नंबर क्या होते हैं, लाइन ये होते हैं, नंबर लाइन ऐसे, इंटीजर, ये सब इन चीजों पे हम डिस्कस नहीं करना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना, क्योंकि ये रिवीजन होने वाला है। तो उसमें सीधा हम मेन चीज को अलर्ट करेंगे कि कहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, सबसे पहला जो पहला टॉपिक होता है वो एक्सरसाइज 1.2 का है, वो है बेटा LCM और HCF। इन दोनों के दो भाई और हैं, वो होता है LCF और HCM। ये आपने कभी दुनिया में सुने नहीं होंगे, सुने भी होंगे तो शायद आपको पता ना हो। ये बहुत कॉमन है जो हम लोग बहुत सुनते हैं, LCM HCF पूरे चैप्टर में ही चलने वाला है। लेकिन इसके अलावा दो चीज और भी होती हैं जिसे बोलते हैं LCF और HCM। लाइफ में याद रखना, इस दुनिया में कोई भी नंबर हो, LCF का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इस दुनिया में सबसे छोटा फैक्टर जो होता है 1 से छोटा फैक्टर दुनिया में आज तक किसी का नहीं है। तो कोई भी नंबर लिख दे बोलेगा फाइंड LCF, आंसर बोलना 1। इसीलिए कभी LCF पूछता नहीं है, क्योंकि LCF का मतलब हमेशा 1 ही है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। HCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, अरे भैया दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 2 और 4 का हाईएस्ट मल्टीपल 1000 भी हो सकता है, 2 और 4 का हाईएस्ट मल्टीपल 10000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, तो वो इनफाइनाइट है। तो HCM जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो किन्हीं भी 2, 3, 4, 5, 8 नंबर का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इंफिनिटी होगा और लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? इसलिए हम इन दो चीजों को कभी पढ़ते नहीं है, कभी निकालते नहीं है। ये तो हो गया एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट आप लोगों के लिए 30 करोड़ का। अब देखिए, अब बात करते हैं हम LCM और HCF की। एक बड़ी सिंपल सी चीज, साधारण चीज लेता हूं समझाने का, बड़ा सिंपल तरीका है। आप सभी लोगों ने बड़े छोटे क्लास से आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स करने सीखे होंगे। प्राइम फैक्टर्स करने हर किसी को आते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास कोई नंबर है 64, आप इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे? 2, 32, 2, फिर बोलो 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये और एक 2 और आएगा, तो 2 की पावर कितना आ गया 6। तो ये होते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम से डिवाइड करते हुए चलो और उसका पूरा फैक्टराइजेशन टेबल बनाओ। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और यहीं पर एक थ्योरम भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, जो कभी कभार एग्जाम में 1 मार्क्स में डिफाइन करने में आ जाती है कि हर एक नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और वो हर दूसरे नंबर से यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का अपने आप में यूनिक होता है, किसी किन्हीं भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपस में रिपीट नहीं कर सकता, मतलब सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होता है सबका, ठीक है? तो वो एक थ्योरम भी है। चलिए, एक अब LCM बच्चे को समझने का सबसे मस्त तरीका आपको सिखाता हूं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है x और मेरे पास कोई नंबर है y, मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, 2 का लेके कर रहा हूं, फिर आप 3 का भी कर सकते हैं, आप 4 का भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको 3 का करा देता हूं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है और यहां 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है और आगे कुछ नहीं है। प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसमें सर, इस वाले में 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, इस वाले में 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, 13 की पावर 1 है। अब मान लीजिए हमें इन तीनों नंबरों का LCM और HCF दोनों लिखना है, तो हम क्या करेंगे? LCM, अरे किसका? X का, Y का और Z का। जब भी LCM लिखना है तो बस ये देख लो कि इस प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 3 है, इन सब में देखो जितने नंबर हैं सब लिख दो,
लेकिन एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, जितने नंबर है सब लिख दो, टू है ओके मल्टीप्लाई करो, थ्री है ओके मल्टीप्लाई कर दो, फाइव है ओके मल्टीप्लाई कर दो, सेवन नया आ गया ओके लिख दो, थर्टीन नया आ गया ओके लिख दो। इन सब नंबरों की याद रखना उल्टी ट्रिक, ये है लोवेस्ट तो पावर आएगी हाईएस्ट, पावर क्या आएगी हाईएस्ट, इन सब की हाईएस्ट पावर लगा दो। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू की सब में हाईएस्ट पावर कितनी है फाइव, थ्री की हाईएस्ट पावर फोर, फाइव की हाईएस्ट पावर वन, सेवन की हाईएस्ट पावर टू, थर्टीन की हाईएस्ट पावर वन। ये हमारा, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उसकी भी एक निंजा टेक्निक है। उसकी टेक्निक ये है, सिर्फ ऐसे नंबर्स को लिखिए, क्या बोला मैंने, सिर्फ ऐसे नंबर्स को लिखिए जो आपको दोनों जगह अवेलेबल दिख रहे हैं, दोनों या तीनों जगह होने चाहिए, सॉरी दो भी नहीं तीनों जगह होने चाहिए। बताओ कौन कौन से नंबर है, टू इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, ओके टू लिख लिया, थ्री 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 ओके थ्री लिख लिया, फाइव नहीं है, सेवन ऊपर नहीं है, थर्टीन नहीं है, बस यही नंबर है, हाईएस्ट लिखा हुआ है। अब इनकी लोएस्ट पावर लगाओ, कौन सी पावर लगाओ, लोएस्ट। तो बताओ एचसीएफ में टू की लोएस्ट पावर कौन सी है, टू की लोएस्ट पावर है वन, और थ्री की लोएस्ट पावर कौन सी है टू। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। इस तरह से एचसीएफ निकालना है। देखिए यही ना, अब सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना काफी नहीं है, ठीक है, यहां हमें इनका मतलब भी समझना होगा। कैसे, जैसे मान दिया कहां पे एलसीएम इस्तेमाल होगा, जब भी आप कभी मल्टीपल की बात करेंगे कि कौन सा मल्टीपल आएगा, वहां पर हमेशा एलसीएम इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपको बताया कि भैया एलसीएम और एचसीएफ का यूज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। यूज जानना मतलब ऐसे कहां कहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो एलसीएम और एचसीएफ की हमसे पूछी जा सकती हैं। देखिए मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम लिख रहा हूं, उन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम, हेलो ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, पहला। दूसरा, बुक्स रैक वाली प्रॉब्लम, इसमें बुक्स को रखा जाता है। थर्ड, ट्रैफिक लाइट हो गया, बुक रैक हो गया, और गिटार स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम हो गई एक, ठीक है। फोर्थ, सर्कल ट्रैक वाली एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। और फिफ्थ, एक पिकनिक वाली प्रॉब्लम हो गई। आपने ना सिर्फ ये नहीं देखना कि मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, आपने उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है, आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए ट्रैफिक लाइट वाली प्रॉब्लम वो होती है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि भैया एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे तीन कलर की लाइट है, ठीक है, और सुबह 7 बजे, हेलो सुबह 7 बजे रेड ग्रीन येलो एक साथ जली, ब्लिंक टुगेदर एक साथ जली। रेड जलती है 20 सेकंड में, ग्रीन जलती है 15 सेकंड में, और येलो जलती है 30 सेकंड में। तो इसका मतलब आप ये बात सोचिए कि दोबारा एक साथ कब जलेंगे। देखिए जो इनका एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल, उस पर ये जलेंगे। तो 20, 15 और 30 इन सबका हमें निकालना है एलसीएम, जो आएगा 60 सेकेंड्स। कितना आएगा, 60 सेकेंड्स। यानी अगर 7 बजे लाइट एक साथ जली थी तो दोबारा 7:01 पे लाइट दोबारा एक साथ जलेंगी, यानी कि हर एक मिनट में लाइट एक साथ फ्लैश हो रही है, टिंग। फिर 15 सेकंड बाद कौन जल रही है, ग्रीन, टिंग। फिर वो रुक जा रही है, फिर 20 सेकंड बाद रेड, टिंग। फिर 30 सेकंड बाद येलो, टिंग। और फिर जब उन सबका मैच कर रहे हैं तो एक मिनट बाद सब जल रही है। बस फर्क इतना है कि उस एक मिनट में ये जलेगी 4th टाइम्स, ये जलेगी अपना 2nd टाइम, और ये जलेगी अपना 3rd टाइम। बस ये डिफरेंस है कि नंबर ऑफ बीप्स, इसका टाइम इंटरवल कम होता है, उसका ज्यादा होता है, वो अलग एक चीजें हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। बस इस तरह से एक ये है ट्रैफिक लाइट वाली प्रॉब्लम। एक आती है बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम, है ना, एक आती है बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम। बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम में आप लोगों को देखना होता है, ठीक है, इंग गिर गई यार मार्कर की, बताओ, है ना। बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम में आप लोगों को देखना होता है भाई, ओहो काम खराब हो गया भाई, चलो कोई नहीं, अरे इंग गिर गई यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलने देते हैं, ज़्यादा ओवरलोड हो गया इसका, तुम लोग अभी ज़्यादा पड़ पड़ गए, ऐसे ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, तुम भी ऐसे ओवरफ्लो हो रहे हो। इधर देखो, तो अगली जो प्रॉब्लम हमारी वो है हमारी बुक शेल्फ वाली। अब यार जो बुक शेल्फ वाली प्रॉब्लम है ना, उसमें ना देखो होता क्या है कि मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक देगा, मैथ्स की, इंग्लिश की और साइंस की, नंबर ऑफ बुक्स दे देगा, ठीक है,
और जैसे मान लिया इसकी बुक्स ने दी मुझे 39, इसकी बुक दी उसने मुझे 52, इसकी बुक दी उसने 78, और बोल रहा है कि बताओ यार मैं इन बुक्स को ना, जो ये जो मेरे पास जो बुक्स हैं, मैं इन बुक्स को किस तरीके से लगाऊं, हेलो, मैं इन बुक्स को किस तरीके से लगाऊं कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई हों। अब दिमाग लगाओ, ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिनिमम वर्ड बोलने के बाद भी एचसीएफ निकालना पड़ता है, वरना आमतौर पे एचसीएफ निकाला जाएगा जब मैक्सिमम वर्ड इस्तेमाल होगा, और जब मिनिमम वर्ड इस्तेमाल होगा तो एलसीएम निकालते हैं, बट ये एक्सेप्शन है। मिनिमम रैक के लिए आपको एक रैक के अंदर मैक्सिमम बुक्स रखनी पड़ेंगी। आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, जैसे आपके पास, मैंने बोल दिया भाई 5 रैक हैं और आपके पास कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। अब यार आप अगर मान लिया एक रैक में एक 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 बुक रख रहे हैं तो आपके तो 10 रैक यूज हो जाएंगे। अगर मान लिया आपका 10 बुक है, आप एक रैक में एक एक बुक रख रहे हैं, आपके 10 रैक इस्तेमाल हो गए, लेकिन आपको पता है कि आपके रैक कैपेसिटी 5 है, आपने पहले रैक में 5 रख दी, अगले रैक में 5 रख दी, आपके 8 रैक तो खाली बच गए, 2 ही रैक इस्तेमाल हुए, क्योंकि आपने हर एक रैक का मैक्सिमाइज तरीके से इस्तेमाल किया है। तो वही आपने ध्यान रखना है, पहले आपने इन नंबर ऑफ बुक्स का एचसीएफ निकाल देना है। इसका मतलब आपको पता लग जाएगा, जैसे आपने एचसीएफ निकाला वो आया 13, इसका मतलब एक रैक में 13 बुक्स आएंगी। एक रैक में कितनी बुक्स आएंगी? 13। तो मैथ्स को कितने रैक चाहिए? 39/13। मैथ्स को लगेंगे 3 रैक। इसे कितने रैक लगेंगे? डिवाइड बाय 13, 4 रैक। इसे कितने रैक लगेंगे? डिवाइड बाय 13, 6 रैक। तो 6 रैक साइंस की बुक के होंगे और 4 रैक इसके होंगे और 3 रैक इसके होंगे। तो 6, 6, 4, 10, 6+4, 10, 10 13। 13 रैक आपके लग जाएंगे, काम चल जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को अप्रोच करना है। तो सिर्फ एलसीएम एचसीएफ का ये मतलब नहीं कि आप सीख जाओ। ऐसी पिकनिक वाली प्रॉब्लम होती है, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, 10th 11th 12th के, 10th के इतने, 11th के इतने, 12th के इतने, एंड द मैनेजमेंट वांट्स की जो नंबर ऑफ बसेस लगे वो मिनिमम लगे, सबसे कम लगे। इसका मतलब एक बस में कितने बच्चे ठूसने पड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा। तो उन पहले बच्चों का निकाल दो एचसीएफ, इसका मतलब उतने बच्चे एक बस में बैठेंगे, फिर हर क्लास के बच्चे से उसको डिवाइड कर करके देख लो भैया कितने क्लास की कितनी बस बनेंगी। तो इस तरह से आपको ना प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अब यूं तो क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, एक ये क्वेश्चन होता है, एक वो होता है कि जैसे मान लिया व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कोई नंबर देगा विच डिवाइड्स एक्स एंड वाई बाई रिमिंग द रिमाइंडर ए एंड बी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये रिमाइंडर बच रहा है, एक्स में से ए निकालना है, वाई में से बी निकालना है, एक्स में से ए निकालना है और वाई में से बी निकालना है, जो भी नंबर बचेंगे उनका एचसीएफ दे दो, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ही डिवाइड करता है उसको एचसीएफ तो बोलते हैं ना। तो क्या करना है, पहले इसमें से रिमाइंडर निकालो, इसमें से रिमाइंडर निकालो, ऐसे 3 नंबर भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, इसका रिमाइंडर इसमें से, इसका रिमाइंडर इसमें से, इसका रिमाइंडर इसमें से। रिमाइंडर निकालने के बाद जो जो नंबर बचेंगे उनका एचसीएफ दे लो। देखो अब आपको समझाया ही जा सकता है लास्ट टाइम पे, इसे ही बोलते हैं रिविजन, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं होंगी कि जैसे आप बिल्कुल बेसिक पढ़ते हो, तो रिविजन में थोड़ा चीज़ें तेज चलेंगी, प्रॉब्लम्स पे आप ध्यान दीजिए। अब जो अगली एक्सरसाइज है 2023 के लिए वो है हमारी इरैशनलिटी वाली। अब यार ये होता क्या है, पहले बताओ, हमको समझना पड़ेगा कि हमें रैशनल और इरैशनल में फर्क जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देखो, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू वहां पर जीरो नहीं हो सकता। अब ये आप सब ने सुना होगा, मैं आपसे बोलूंगा कि क्या 4/6 कोई रैशनल नंबर है? ये एक प्रॉपर सही रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो सही रैशनल नंबर होता है उसमें सारे के सारे फैक्टर्स कट जाते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता। अभी इनमें एक कॉमन फैक्टर है 2/3। यस, ये एक सही रैशनल नंबर है। यानी जब कोई रैशनल नंबर कट कटा के आपके पास आ चुका है तो उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब यहां पर P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यार कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसे ही प्यार से बोलते हैं P and Q are co-prime। तो यानी कि जब भी कोई रैशनल नंबर आए तो हमेशा ध्यान रखना उसमें P और Q क्या होता है? Co-prime। उनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, वो होता है रैशनल नंबर। अगर किसी नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो इरैशनल है। अब मेरी बात समझिए, इरैशनल नंबर प्रूव करने का हमारे पास कोई लॉजिकल तरीका नहीं है। हम पहले एक इरैशनल नंबर उठाएंगे, उसे रैशनल मानेंगे और फिर अपनी बोली हुई बात को गलत प्रूव करेंगे, झूठ प्रूव करेंगे, और फिर बोलेंगे क्योंकि हमने गलत बोला, क्योंकि हमने झूठ बोला, इसलिए नंबर रैशनल नहीं। तो ये क्या हो गया? इरैशनल। मतलब हम उसे इरैशनल प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम पता बेसिकली कर क्या रहे, हम रैशनल बोल के फिर बोल रहे कि हमने झूठ बोला। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें यहां पर अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। जरा मेरी बात समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। यहां एक ही तरह का मेजर क्वेश्चन है, अगर आप उसे बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमेशा एक बात याद रखना बेटा
कभी भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, कभी भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमें रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है, हमें रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है, ऐसे ही रूट टू, रूट सेवन, रूट फाइव, रूट इलेवन, ठीक है, रूट 19, तो बस उस हिसाब से आपने चलना है, वहां वहां आपने नंबर चेंज करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर रूट थ्री बी आ रैशनल नंबर। तो अगर रूट थ्री एक रैशनल नंबर है तो हम रूट थ्री को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर बी जीरो नहीं हो, बी मतलब जीरो का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा समथिंग अपॉन जीरो। और एक बहुत बड़ी बात, ए एंड बी आर को प्राइम। ये पूरा प्रोसीजर है जो कि 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है, पूरा प्रोसीजर आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। ये यहां जाएगा तो रूट थ्री बी इज इक्वल्स टू ए, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3b² और ये बचेगा a, ठीक है। तो सॉरी ये हो जाएगा a² b² a² तो b² इज इक्वल्स टू a² / 2। इसका मतलब a² जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब a² इज अ फैक्टर ऑफ 3, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a² तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अरे कॉमन वाली बात है यार, 25 को देखो, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 25 5 से कटता है, 25 5 से कटता है ना, तो 5 भी तो 5 से कटता है। तो अगर कोई नंबर का कोई एक पर्टिकुलर नंबर फैक्टर है तो वो उसके स्क्वायर का ही फैक्टर होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर 3 जो है वो a² का फैक्टर है तो 3 जो है वो a का ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया है कि 3 a का एक फैक्टर 3 है, a का एक फैक्टर क्या है 3 है। अब देखते हैं हमने झूठ कहां बोला। लेट अस कंसीडर अनदर इंटीजर, जिसका काम हो जाता है उसको निकाल देते हैं। लेट अस कंसीडर अनदर इंटीजर, जिसका काम होगा उसको दफा कर दो, a का काम हो गया ना, तो a इज इक्वल टू 3c नया इंटीजर। अगर यहां पर आप 555 प्रूव कर रहे हो तो ये था 5555, यहां पर 5555c इस तरह से काम चलता, 7 करते 7777, यहां पर 7c। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसे 1 में रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3b² इक्वल्स टू a की जगह पे क्या है 3c का होल स्क्वायर। जब इसको पुट करेंगे यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 3b² 9c² कैंसिल करेंगे, b² इक्वल्स टू 3c², तो c² की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² / 3। थोड़ी देर पहले जिस नाव के ऊपर a बैठा हुआ था, अब उस नाव के ऊपर आपने b को बैठा दिया, मतलब अब आप बोल सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ b², देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। गेम समझ गए, यानी कि थोड़ी देर पहले आप क्या चिल्ला रहे थे, a और b क्या है को प्राइम, मतलब उनका आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन a 3 से भी कट रहा है और b 3 से भी कट रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर मिल गया। हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब चलती है लैंग्वेज दबा के देखना, क्योंकि हमें पता लग गया कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, दस आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 3 इज अ
इरेशनल नंबर। इस तरह से आपको पूरी कहानी लिखनी है। फिर से आप लोग पढ़ देता हूं, यहां तक का तो काम ठीक है। हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो इसका मतलब इस बात ने जब ए और बी को प्राइम नहीं है, तो इसने ए और बी को प्राइम नहीं है, इस बात को हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। दस अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी ये वाली बात गलत है, इसलिए हमारी ये वाली बात भी गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द दस अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग That root 3 is a rational number, therefore root 3 is an irrational number. तो ये होते हैं क्वेश्चन इरेशनलिटी के ऊपर। अब कोई दिक्कत मत लो, जैसे यहाँ मैंने 3333 कराया, ऐसे यहाँ पे 7777, बस यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 49, तो सबसे काटोगे तो फिर 7 आ जाएगा। ऐसे ही 11, ऐसे ही 30, तो आपको जो प्राइम नंबर चाहिए आप उसको लेके यहाँ पर कर लीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सिंपल सा प्रोसेस, देखो बेटा ये पूरी एक थ्योरी है, इसको ना आपको ऐसे ही रिमेंबर रखना पड़ेगा, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब मान लिया आप एग्जाम बैठे हैं, ठीक है, मैं बताऊँ कैसे करना है आपको, ठीक है, आप एग्जाम बैठे, ठीक है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और वो 3 नंबर का आया, उसने बोला प्रूव करो कि 1/√2 इरेशनल है। लोड लेना नहीं, लोड क्यों लेना, क्योंकि 1/√2 को आप मान लेना, लेट दिस बी बी अपॉन ए, मान लो रैशनल नंबर, जहाँ पे ए है नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इज को प्राइम। अब इसे उल्टा कर दो तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। अब इसे तो आप प्रूव कर सकते हो, इसको सेम प्रूफ कर दो, क्योंकि ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो 6+√2 है, आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, काय लोड ले रहे हो, इसको पहले एक रैशनल नंबर मान लो ए अपॉन बी, उस साइड ले जाओ तो √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 6, तो √2 इज इक्वल्स टू ए माइनस 6b अपॉन बी। अब क्लियर लिख देना यार कि हमको तो पता है कि √2 इरेशनल है, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर से प्रूफ करोगे पूरा का पूरा, फिर लिख दो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, राइट हैंड साइड इज इरेशनल, देयरफॉर ये जो नंबर था इरेशनल है, क्योंकि सिंस वी नो, ऐसे लिखना है, सिंस वी नो √2 इज इरेशनल, तो अब राइट साइड तो रैशनल निकल के आ रही है, क्योंकि ए और बी के जो फैक्टर्स हैं वो तो रैशनल है। अब राइट साइड रैशनल आ रही है, लेफ्ट साइड इरेशनल आ रही है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल। इस तरह से अप्रोच करना है। तो कहीं पर भी ऐसे मिल गया, मान लो आपको 2√2, इसको ए अपॉन बी मान लो, इसको नीचे भेज दो तो √2 इज इक्वल टू ए अपॉन 2b, फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। अब लिखना थोड़ी पूरा का पूरा, बस लिखना है कि √2 तो हमको पता ही है कि इरेशनल है, राइट साइड हमने रैशनल मानी हुई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये क्या है, इरेशनल। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में ना थ्योरी और स्टेटमेंट्स चलते हैं, ठीक है, और यहाँ इससे अलावा और कोई फालतू क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने आप लोगों के यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन इस रीजन की वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ गई, पसंद आ गई, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल। जय हिंद, गुड बाय, टाटा।